नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भाग्यश्री सन्नपूर्णा किचन में स्वागत है। आज हम रोटी, बची हुई रोटी से महाराष्ट्र की एक स्पेशल ऐसी काला रेसिपी देखने वाले हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। दिख रहा है ना, पूरा यम्मी यम्मी। अगर आपको वो देखना हो तो आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। या आप अगर एक बार बनाकर देखोगे ना तो आपको एक बहुत पसंद आएगा। इसके लिए इसको पूरा देखिए। अभी काला बना कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाला है, वो अभी गर्म हो चुका है। उसमें अभी राई जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। वही पे मैं लहसुन को मैंने बारीक कर लिया है, वो डाल रही हूँ। इसको अभी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकने देंगे। अभी यहीं पे कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। हरी मिर्च, ये जो बची हुई रोटी होती है ना, उससे हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है, पर मैं इस प्रकार से उसको बना लेती हूँ। और हमारे महाराष्ट्र में उधर इसको काला ऐसे बोलते हैं। जैसा पोहा बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही लगता है। अच्छा, एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने बड़े दो प्याज लिए, इनको अच्छे से बारीक कट कर लिया है। इसको जब भी 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पे अच्छे से पका लेंगे। ये सिंगा ना पहले तलना होता, पर मैं भूल गई। अभी इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आने तक यहाँ पर इसको ऐसे तल लूँगी मैं अच्छे से। 2 मिनट के लिए अच्छे से भुन जाएंगे। ये भी सिंगदाना को पहले इनको अच्छे से तल लेना है। तो क्रिस्पी होते हैं तो दांत के नीचे आता है ना सिंगदाना, तो अच्छा लगता है। हम पोहा में भी डालते हैं तो भी सिंगदाना पहले ही भुन लेना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छे से अभी तल चुके हैं, अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी इसी में ये मटर है वो डाल रही हूँ मैं। इनको भी 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पे अच्छे से भून लेंगे। ये जो बना रही हूँ ना मैं, एक बार इसको ज़रूर बना कर देखिए। और प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फुल वीडियो देखिए। आपको जरूर ये पसंद आएगा। मैं जो बना रही हूँ ना काला, वो आपको जरूर पसंद आएगा। आप भी बनाते होंगे, पर आप जो बनाते हो उसका अलग कुछ नाम होगा, हमारे इसमें इसको काला ही बोलते हैं। ये रोटी का पोहा भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी इसमें एक टमाटर लिया है मैंने बड़ा, वो डालेंगे और इसको आधे मिनट के लिए पकाना है। ऐसा कोई हमें रोटी खाने के लिए बोलेंगे तो खाएंगे नहीं हम, पर अगर इस प्रकार से करेंगे ना आप, ट्राई करके देखिए एक बार, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। इसी में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ मैं। आधा मिनट हमारा टमाटर डालने के बाद हो चुका है। अभी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून डाल रही हूँ मैं।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास सुबह की रोटी बची थी, अभी मैं शाम को बना रही हूँ, तो सुबह की जो मेरी रोटी बची थी उसको मैंने मिक्सी में बारीक कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से अगर सुबह रोटी बच जाती है सुबह की, तो हम सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, मैं बोल रही हूँ एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखिए आप। आपको 4 बजे अगर भूख लगती है दोपहर को, तो ये बनाकर आप खा सकते हो। ये हेल्दी ऐसा नाश्ता हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया फिर से डाल रही हूँ। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए एकदम कम गैस पर ढककर भी रख देना है। कम से कम पाँच मिनट के लिए एकदम कम गैस करके इसको रख देना है। अभी 5 मिनट हो चुके हैं ढककर। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बनकर। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और कितना एक खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। दिख रहा है ना, यम्मी यम्मी, हेल्दी हो गया, टेस्टी, हेल्दी, हर एक चीज़ इसमें आ गई है। हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। रेडी हो चुका है हमारा काला। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा यम्मी यम्मी ऐसा ये काला बनकर रेडी हो चुका है। दिख रहा है ना, बहुत ही एकदम यम्मी यम्मी, खाने में भी उतना ही वो अच्छा है। आप जरूर इसको एक बार बनाकर देखिए। अभी इसको गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर धनिया डालती हूँ। वहीं पे मैं नायलॉन की सेव लाई हूँ। ये ऑप्शनल है, पर अगर डालेंगे ना तो टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए इसको डालेंगे तो अच्छा है। और यहीं पे नींबू, बस हो गया हमारा यम्मी यम्मी ऐसा काला बनकर रेडी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया ना, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक बार इसको बनाकर जरूर देखिए। और आप इसको क्या बोलते हैं वो भी मुझे कमेंट कर प्लीज बताइए। धन्यवाद।